नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो है निर्यात ड्यूटी प्याज से हटा दी है और MEP लगा दी है, तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि MEP है क्या और इससे क्या असर पड़ने वाला है अपने प्याज के ऊपर और सरकार ने ये क्यों किया है। तो इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे और वीडियो पूरा देख लीजिएगा। लेकिन चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो बोलते हैं निर्यात अभी चालू है, आज ही से ये MEP लागू हुई है। MEP लागू करके उन्होंने निर्यात ड्यूटी को हटा दिया है, परमानेंटली निर्यात ड्यूटी नहीं रहेगी लेकिन MEP चलेगी दिसंबर तक। ये 29 तारीख से, मतलब आज से चालू हुई है और 31 दिसंबर तक ये चलेगी। MEP का मतलब होता है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, मतलब कि आप कितने में भी प्याज खरीदें या फिर कितने में भी बेचें, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। उनको एक प्रूफ चाहिए कि आपने इतने में बेचा है, चाहे आप उसको सस्ते में बेचें या महंगे में बेचें, फ़र्क नहीं पड़ता। MEP जो लगाई है उन्होंने $800 पर टन लगाई है, FOB बोलते हैं इसको, फ्री ऑन बोर्ड। तो FOB $800 उन्होंने प्राइस लगाया है। $800 का मतलब अगर IC के अंदर हम लोग देखते हैं तो 66,731 रुपये पर टन ये रेट होती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप प्याज चाहे सामने वाले को 10 रुपये में 10 रुपया KG दे रहे हैं या 40 रुपया KG दे रहे हैं या 50 रुपया KG दे रहे हैं, लेकिन सरकार को प्रूफ चाहिएगा कि आपने 66,731 रुपये में प्याज बेचा है पर टन। तो इस चीज़ से तो आप समझ गए होंगे कि MEP का मतलब क्या है, कि आप प्याज सामने वाले को किसी भी रेट में दें लेकिन सरकार को प्रूफ कंपलसरी है कि उनको $800 पर टन का उनको प्रूफ चाहिएगा, तभी आप माल को निर्यात कर पाएंगे, नहीं तो आप माल को निर्यात नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये भी अच्छा है, ज़्यादा दिनों के लिए ये नहीं लगाई है, इन्होंने सिर्फ दिसंबर तक के लिए, 31 दिसंबर तक के लिए लगाई है और उसके बाद में क्या होगा मेरे को नहीं पता है। लेकिन ये नया सर्कुलर इशू हुआ है जिसके अंदर ये बताया गया कि निर्यात ड्यूटी ख़त्म, MEP लागू। तो इससे देखिए, MEP लागू होने से सबसे बड़ा फ़र्क ये होगा कि निर्यात पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि प्याज प्रेजेंट टाइम में 60-62 रुपया करीब बिक रहा है बढ़िया प्याज, और MEP जो है उससे बहुत ज़्यादा है। तो समथिंग उसी के एवरेज के अंदर ही उन्होंने MEP लगाई है, मतलब मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाई है, जिससे कि वो डॉलर के जरिए जो पैसा है भारत में आ सके। मेरे हिसाब से यही होता है MEP का मतलब, $800 पर टन। इसका जो तात्पर्य निकलता है वो यही निकलता है कि मार्केट में इसका असर होगा, थोड़ी सी एक्सपोर्ट में जो है निर्यात के अंदर कमी देखने को मिलेगी, हर कोई इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। वैसे भी देखिए कमी आ ही चुकी है, क्योंकि जब से बॉर्डर वापस खुला है तब से निर्यात में कमी देखी जा रही है, सिर्फ भाव में तेज़ी देखी जा रही है। अब भाव में तेज़ी तो थी ही, अब सरकार ने भी भाव में तेज़ी ज़बरदस्त कर दी है। जो भाव चल रहे थे उनसे कई गुना ज़्यादा सरकार ने उसको तेज़ी में लेके आगे, मतलब माल तो आप बेचेंगे लेकिन अब सरकार के नियम के हिसाब से आपको बेचना होगा, उनके हिसाब से ही आपको निर्यात करना होगा। मतलब कि 60 रुपया था, सरकार ने बढ़ा करके 66 रुपया कर दिया, 66 रुपया 67 रुपीज़ कर दिया कि आप उतने में प्याज बेचिए, क्योंकि उनको भी भावों का पता रहता है, इसीलिए MEP उसी हिसाब से उन्होंने लागू कर दी। अब बात कर लेते हैं कि निर्यात हुआ कितना है प्याज। तो निर्यात जो है 83 ट्रक हुआ है कल, और भावों में नो डाउट तेज़ी है, उस भाव को देखते हुए भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के भाव लगाए गए हैं। लेकिन MEP की एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, कि ये सिर्फ प्याज पे ही नहीं लगा है, प्याज से बनने वाले प्रोडक्ट पे भी लग गया है। और जैसे अपन बेंगलोर के रोज यूनियन की बात करते हैं, वो भी निर्यात हो रहा था जिस पे ड्यूटी हटा दी गई थी, शायद आपको याद हो, और याद नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पे से ड्यूटी हटा दी गई थी उस पे भी MEP लागू कर दी गई है। मतलब बेंगलोर का रोज यूनियन भी अगर निर्यात होगा तो उसको भी $800 पर MT ही उनको पेमेंट उनको लेनी होगी, मतलब $800 के हिसाब से ही उनको वो माल बेचना होगा। इसके अलावा चाहे वो स्लाइस बना के बेचे, पाउडर बना के बेचे, उसकी कटिंग करके बेचे, मतलब प्याज का नाम जहां आएगा वहां मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो होगा वो $800 होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही प्याज के ऊपर ये ड्यूटी लगाई है। कई किसान भाइयों को शायद ये पता हो कि नहीं, महाराष्ट्र और नासिक के प्याज पर ही ये MEP लागू की गई है, ऐसा नहीं है।
ये सभी तरह के प्याज के ऊपर लगाई गई है, चाहे वो प्याज हो या प्याज का कोई प्रोडक्ट हो, मतलब फिनिश प्रोडक्ट भी और फ्रेश प्याज भी, दोनों पे ही पूरी तरह से ये MAP लगाई गई है। ऐसा नहीं है कि खाली अपने ही प्याज पे, मतलब महाराष्ट्र और नासिक के प्याज पे ही लगाई गई है। तो अब आपको बता देते हैं निर्यात के भाव, के भाव क्या चले हैं। तो निर्यात में अगर नासिक के बेस्ट प्याज जो है 61 से 62 रुपया गया है, और MP की बात करें तो 55 से 57 रुपये के बीच में चल रहा है, साउथ की बात करें तो 63 से 65 रुपये के बीच में चल रहा है। इन भावों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज मैंने ये शॉर्ट में भाव आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि ये MEP से जुड़े हुए भाव हैं, जो मैक्सिमम जितने जो ज़्यादा भाव थे वही मैंने आपको दिए, उसी से पता चलता है कि इन्हीं भावों को देख करके ये MEP शायद लगाई गई होगी, क्योंकि सरकार को पता चल जाता है कि किस भाव के अंदर वहाँ प्याज बिक रहा है, तो उसी हिसाब से उन्होंने ड्यूटी, मतलब यूँ समझ लीजिए कान इधर से नहीं पकड़ के उधर से पकड़ा, लेकिन पकड़ा कान ही है, क्योंकि उनको पता चल गया कि इस भाव के अंदर वहाँ बिक रहा है तो इस भाव के अंदर एलचियाँ खुल सकती है और माल निर्यात हो सकता है। शायद मेरा मानना तो यही है, बाकी आपका क्या विचार है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो MEP जो मतलब लगाई गई है, मिनिमम निर्यात भाव जो है, मिनिमम निर्यात भाव बोल सकते हैं, कि ये सही है या गलत है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।